हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, ये आपकी सोशल स्टडी की बुक है जिसका सिलेबस आज से आपका स्टार्ट करा रहे हैं। और जिसके पास फिफ्थ क्लास की बुक ना हो वो अपनी बुक्स परचेज़ कर लें। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लें जो आपके पीए फर्स्ट में आने वाला है। आपके टोटल चैप्टर हैं इसमें 16 और आपके पीए फर्स्ट में आएंगे आपकी दो यूनिट्स आएंगे, यूनिट वन एंड यूनिट टू, जिसमें चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर। फर्स्ट चैप्टर है द ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ, सेकंड चैप्टर है मैप अवर बेस्ट गाइड्स, थर्ड चैप्टर है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट और फोर्थ चैप्टर द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ये आपके फोर्थ चैप्टर आपके पीए फर्स्ट में आएंगे। तो हम आज से आपका सिलेबस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की आज आपको रीडिंग कराएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि इसमें हमें ग्लोब के बारे में बताया गया है। ग्लोब क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, ये एक छोटा सा स्पेरिकल यानी गोलाकार का जिसमें नीचे फिगर में दिखाया हुआ है इस टाइप का होता है, ये मॉडल होता है अर्थ का। हमारी पृथ्वी है हूबहू उसी की तरह ये बनाया जाता है। देयर फॉर द बेस्ट वे टू स्टडी द अर्थ इज टू यूज़ अ ग्लोब, हम लोग इससे इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अर्थ को। ये बिल्कुल हमारे अर्थ के ही तरह बनाया होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है जैसे हमारा अर्थ है बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है, उसी तरीके ही होता है। दिस स्मॉल स्पेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ इज मार्क्ड विद कंट्रीज, जो हमारा ये स्पेरिकल होता है मॉडल होता है छोटा सा, इसमें अर्थ की हर चीज़ मार्क्ड होती है, हर चीज़ देश बताई जाती है, विद कंट्रीज बताई जाती हैं, कॉन्टिनेंट, सीज, ओशियन, बेस, गल्फ, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। द बिगर द ग्लोब एंड मोर डिटेल्स इट वुड बी, अब जो बड़े ग्लोब्स होते हैं उनमें और भी काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं। द अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका जो अर्थ है वो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का। मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग, प्लांट, एनिमल्स इनहेबिट इन इट, काफ़ी सारे यहाँ पे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि हमारी पृथ्वी पे हर जीव जंतु और एनिमल्स, फ्लावर, प्लांट्स, इंसान, हर कोई यहाँ पे रहता है। द अर्थ इज़ नॉट ऑल लैंड, जो हमारी पृथ्वी है वो हर जगह जमीन नहीं, सिर्फ जमीन ही नहीं है। इन फैक्ट ओनली 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ इज़ लैंड, सिर्फ 1/3 एरिया है जो हमारे अर्थ का सिर्फ वही लैंड है। द अदर 2/3 इज़ वाटर, और जो बचा हुआ 2/3 पार्ट है वो क्या है, वाटर है। दिस लार्ज एरिया ऑफ वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियन, जो ये हिस्सा है वाटर बॉडीज़ का उन्हें क्या कहते हैं, ओशियंस कहते हैं। द अदर पार्ट ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ लैंड कॉल्ड कॉन्टिनेंट, और जो दूसरे पार्ट हैं लैंड मासेस के उसे उन्हें कहते हैं कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। दीज मासेस ऑफ लैंड आर वेरी अनइवन, जो ये मासेस हैं जमीन के टुकड़े हैं वो क्या है, हर जगह सेम नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ माउंटेंस, ये किससे बने, माउंटेन से, वैलीज से, प्लेन से, प्लेट्यू से, यानी ये जमीन हर जगह अलग अलग जैसी है। तो ये इस तरह से नॉट ओनली लैंड बट इवन द ओशन एंड सीज कॉन्टेन हाई माउंटेंस, सिर्फ जमीन ही नहीं बट जो हमारे जो ओशन और समुद्र हैं वो भी काफ़ी पहाड़ियों पे हैं, ऊंचाई पे हैं, डीप वैली, रॉक लैंड, ETC, ये सब अनइवन है, कुछ भी सेम नहीं है, जैसे नहीं है। पीपल इन ओल्डन डेज बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, पुराने समय में क्या था, जो पीपल थे उन्हें क्या लगता था, अर्थ क्या है, फ्लैट है, एंड दैट एनी वन हु वेंट टू इज इट्स वुड फॉल ऑफ द अर्थ, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या होता है आसानी से चलते हैं फिरते हैं, क्योंकि सब लोग क्या आता है, कोई घूमता चक्कर लगाता नहीं, चलता है, सब लोग चलते हैं, इसी चलते हैं। तो उसने कभी किसी को पता नहीं था पहले टाइम में कि अर्थ क्या है, हमारा स्पेरिकल नहीं, स्पेरिकल है, फ्लैट नहीं, सबको पहले लगा कि अर्थ है वो फ्लैट है,
बट सीन्स वी सी ओनली अ टिनी पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन अभी हमें क्या सिर्फ कुछ पार्ट ही अर्थ का दिखाई दे रहा है। इट अपीयर्स फ्लैट टू अस, जो कि हमारे लिए क्या है, फ्लैट, क्योंकि हमें क्या होता है अपने हम जहाँ रहते हैं देखते हैं हमें तो कुछ सही दिखाई देता है वहाँ का, तो हमें से यही लगता है जो अर्थ है वो फ्लैट है और वो जगह होती हुआ वहाँ जगह वास्तव में प्लेन होती है, तो हमें यही लगता था जो अर्थ है वो फ्लैट है। इट वॉज फर्डिनेंड मैगेलन हु फर्स्ट सेल्ड राउंड द अर्थ टू प्रूव दैट अर्थ वॉज राउंड, जो हमारे फर्डिनेंड मैगेलन थे वो पहले सेलर थे जिन्होंने क्या किया था पूरे अर्थ का राउंड लगाया था, उन्होंने ये प्रूफ किया था जो अर्थ है वो राउंड है ना कि फ्लैट, उन्होंने पूरे अर्थ का ये राउंड लगाया था तो इन्होंने ये प्रूफ किया था। एज साइंस प्रोग्रेस्ड मैन ट्रेवल इनटू स्पेस एंड वाज लर्नड दैट नॉट ओनली अर्थ बट द सन एंड द मून टू आर राउंड, जब क्या हुआ हमारे साइंस ने प्रोग्रेस की उसके बाद लोग जब लोग स्पेस पे जाने लगे अंतरिक्ष पे जाने लगे तब उन्हें क्या पता चला सिर्फ हमारी अर्थ ही नहीं बल्कि जो हमारा मून है सन है वो भी कैसा है राउंड है। टुडे देयर इज नो डाउट अबाउट द अर्थ शेप, और आज के टाइम पे कोई भी किसी को डाउट नहीं है कि अर्थ कैसा है क्योंकि सभी को ये पता चल चुका है, उन्हें प्रूफ भी मिल चुका है कि अर्थ क्या है राउंड है। लेट अस नाउ एट ए ग्लोब एंड स्पोर्ट द ओशियंस कॉन्टिनेंट, हम लोग ग्लोब को देखेंगे उसमें पढ़ेंगे ओशियंस कॉन्टिनेंट कहाँ होते हैं कैसे होते हैं। मेक अ लिस्ट ट्राई एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लिस्ट के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे हमें। विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है। विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। विच इज़ द नॉर्थन पोल, विच इज़ द साउथ पोल, वेयर इज़ द इक्वेटर, देयर आर मैनी क्वेश्चन विच यू आस्क्ड। ये आप लोग एक काम करिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं ये अपनी फेयर नोट पर नोट करके इनके आंसर्स आप ढूंढिएगा, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब हम आगे चलते हैं। बट डिड यू नोटिस वन थिंग वाइल You were trying to spot place on the globe to be rotated again and again. हम लोगों ने कभी भी ध्यान दिया हो या देखा हो जो हमारे ग्लोब है जो ग्लोब है तो ग्लोब हेड टू बी रोटेड, ये कैसा है रोटेट करते थे घूमता रहता है अगेन एंड अगेन। दिस वॉज बिकॉज ओनली वन पार्ट ऑफ ग्लोब कैन बी सीन एट ए टाइम, इसीलिए हमें क्या होता है सिर्फ एक ही पार्ट एक बार में दिखाई देता है ग्लोब का। While the other part was on the other side, तो अदर पार्ट होता है वो दूसरी साइड होता है। Hence we can say that only one hemisphere that is half the sphere is seen, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें वन हेमिसफेयर है वो ही दिखाई देता है, सिर्फ हम हाफ हेमिसफेयर को हम लोग देख सकते हैं एक टाइम पर। अब हम पढ़ेंगे longitude और latitudes के बारे में, longitude और latitude क्या होते हैं।